Hello dosto, welcome to prep tab. In this video again I'm going to share the solutions for JEE Mains 2020 jo ki 8th january ko hua tha. So along with the solutions hum ye bhi dekhenge ki most of the questions kahan se aaye the aur unka difficulty level kya tha. Theek hai, to is paper mein agar hum dekhen to there were a new category that was assertion reason jo ki abhi kafi time se nahi puche gaye hain, but is paper mein it was asked. And there was one question on solid state as well, जो कि CBSE board में से निकल गया, but the question was asked in this exam, ठीक है? तो जब आप अप्रैल के exam के लिए जाएं, तो make sure कि आप NCERT properly पढ़के जाएं, क्योंकि इस paper में I'll tell you कितनी जगह पे वही statement which was mentioned in NCERT वही उठ के आया है सीधे सीधे, ठीक है? तो go through NCERT properly and अच्छा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है. क्या पढ़ना है आपको वो भी मैं बता दूं कि कहाँ से पढ़ो आप और कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनसे की प्रोबेबिलिटी है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने की. फाइन, सो गाइज बी विद मी एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू कंपेयर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एबीसीडी. अपने को एक ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन लॉग के एंड 1/T, राइट? तो अगर के क्या है यहाँ, इट इज अ रेट कॉन्स्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर. ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन पता है, आरएनएस इक्वेशन, विच इज बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर. क्या होते हैं, के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. अब अगर मैं दोनों तरफ एलएन ले लूं, तो एलएन के इक्वल्स टू एलएन ए माइनस ई ए बाय आर टी, ये आ गया. बट हमें इक्वेशन किस में दी हुई है, लॉग में. तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, या मैं सीधे सीधे इसको ऐसे लिख दूं माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, राइट गाइज? तो अब हमें प्लॉट करना है बिटवीन लॉग के और 1/T, ये प्लॉट करना है. और इस प्लॉट से आई वॉन्ट टू मेक अ रिलेटिव कंपेरिजन बिटवीन ए बी सी डी की एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, अब अगर आप यहाँ स्लोप देखो, स्लोप क्या है इस ग्राफ का, स्लोप क्या है, इट इज माइनस ई ए बाय 2.303 आर. ठीक है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट्स टू गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, आर भी पॉजिटिव है, इट इज अ गैस कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब जो स्लोप है दैट इज नेगेटिव. अब आप यहां देख सकते हो कि सभी के लिए जो स्लोप है दैट इज नेगेटिव. ठीक है, तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा, यानी कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, राइट? तो अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, इट इज ऑफ बी, सबसे ज्यादा स्लैंट है ये, देन है सी का, देन उसके बाद आ रहा है डी, और सबसे कम स्लोप है ए का. तो अगर मैं रिलेशन बनाऊं, सो इट विल बी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी सबसे ज्यादा, देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी, फिर डी एंड फिर ए. सो दिस शुड बी माई ग्राफ. तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ दैट इज ए, राइट गाइस? तो इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस इसमें एप्लीकेशन हो रहा था आरएनएस इक्वेशन का. एंड लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन बहुत बार यही इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में जेई मेंस में पूछी गई है. ठीक है, तो जब आप अप्रैल में जाएं, तो इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप जरूर कर लो. ओके, कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो अपने को एक सेल दिया हुआ है, दिस पार्ट इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. मैं इसकी इक्वेशन अगर लिख दूं, सो इट इज Sn प्लस Pb 2 प्लस, दिस गिव्स Sn 2 प्लस एंड Pb. तो टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड लेड का रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, अब हमें इस इन दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, तो इससे हम ई नॉट सेल निकाल लेंगे, दैट इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं. इसको सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 0.01 वोल्ट. ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की आ गई है हमारे पास. अब हमें क्या निकालना है कि इक्विलिब्रियम पे ये रेशियो क्या है. तो अब पहले नर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं. नर्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 होता है, तो मैं 0.06 ले रही हूँ, 0.06 बाय 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिन 2+ बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड 2+. ठीक है, सो ये मैंने नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी. अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पे पूछा है,
इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, और अगर डेल्टा जी जीरो है, डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, तो अगर डेल्टा जी जीरो है तो ई सेल भी जीरो है, सो दिस इज जीरो. तो यहाँ से यू कैन सी, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो. आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम अराउंड 10 टू द पावर 1 बाय 3, विच इज 2.15. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से है फ्रॉम डिफेक्ट्स. तो अभी तक पिछले तीन पेपर्स में कोई क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से नहीं आया था, बट इन दिस पेपर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो उसको छोड़ के नहीं जाना जस्ट बिकॉज कि सीबीएसई में वो नहीं है, करके जाना है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट. भाई फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है कि वी हैव अ सॉलिड, एक आयनिक सॉलिड है जिसमें कि कैटायन का साइज बहुत छोटा है, तो इट कैन मूव टू अ इंटरस्टीशियल साइड या वॉइड में मूव कर सकता है. ठीक है, बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ वॉइड में जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब जितने एटम्स थे उतने रहेंगे ही. शॉटकी में क्या होता है कि कैटायन और अनायन का साइज सिमिलर होता है, तो जिसकी वजह से दोनों आयन्स इक्वल नंबर में बाहर चले जाते हैं, तो वो डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है. दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स थे ओरिजिनली उससे कम होंगे. ठीक है, तो यहाँ डेंसिटी कम हो जाती है, यहाँ डेंसिटी चेंज नहीं होती. क्लियर? तो एनसीईआरटी में ये अगर आप खोल के देखोगे उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट AgBr इज द ओनली कंपाउंड जो कि दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, फ्रेंकल एज वेल एज शॉटकी. क्लियर गाइज? तो दिस क्वेश्चन वॉज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. फाइन, ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने से पूछा है टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम 300 टू 500. ओके, एंड वी हैव फोर मोल्स ऑफ गैस, डेल्टा यू दिया हुआ है, सी वी निकालना है. आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में, दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी. राइट, डेल्टा यू दिया हुआ है, एन फोर है, सी वी इंटू डेल्टा टी इज 500 माइनस 300. तो अब आप यहां से सीवी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. आई थिंक इट विल बी अराउंड 50/8, सो दिस इज 6.25. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सीवी दैट इज गोइंग टू कम. राइट, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं थर्मोडायनेमिक्स, दे आर वेरी इजी, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड. जैसे डेल्टा जी पे आया था, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और अभी वर्क डन पे एक फॉर्म क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, अब डेल्टा यू पे आ रहा है. तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई मेंस में. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मूल कॉन्सेप्ट से है, वी आर गिवन दिस रिएक्शन. इसमें हमें बोला है कि यार इतनी लीटर ओ टू इज ऑब्टेन एट 180 एम एंड 300 केल्विन. ओके, एंड वी हैव टू डिटरमाइन द मास ऑफ NaClO3 रिक्वायर्ड, कि इतनी ओ टू बनाने के लिए हमें कितना NaClO3 चाहिए. ठीक है, तो अगर हम यहां से मोल्स निकाल लें ओ टू के, दैट इज इक्वल टू पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगा देंगे, सो 1 × 492 / 300 × 0.0821. राइट, मोल्स ऑफ ओ टू आ गए. अब आप यहां देख सकते हो 1 मोल ओ टू बन रहा है कितने से, 1 मोल NaClO3 से. राइट, तो इसका मतलब अगर ओ टू के इतने मोल्स हैं तो दैट मीन्स KClO3 के भी इतने ही होंगे. तो दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO3, और हमें मास निकालना है, तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद इट्स मोलर मास, दैट इज 106.5. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट द आंसर इन ग्राम्स, और हमसे पूछा किसमें है, केजी में. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उसको सही से केजी में कन्वर्ट करके आ रहे हो. ठीक है, इसको सॉल्व करने पे यू आर गोइंग टू गेट 2130 विच इज इन ग्राम्स. तो उसको डिवाइड कर दो आप 1000 से, तो यू आर गोइंग टू गेट 2.13 kg. राइट, बहुत ही इजी सवाल है. अभी तक के जितने सब क्वेश्चंस आए हैं, यू कैन सी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपने एनसीईआरटी में ना पढ़ा हो. ठीक है, बहुत ही बेसिक, और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप स्कोर कर सकते हो. अच्छा, कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूलाज का. राइट, ओके, चलो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. डिटरमाइंस बोर्स रेडियस ऑफ लिथियम आयन फॉर एन इक्वल टू 2. सो आई हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर बोर्स रेडियस, दैट इज 0.059 n² / z.
ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम का हम फर्स्ट बोर रेडियस निकालें तो एन भी वन होगा एंड जेड विल ऑल्सो भी इक्वल टू वन. सो आर वन फॉर हाइड्रोजन इज 0.059, दिस इज इक्वल टू ए नॉट. ये अपने को दिया हुआ है. ठीक है, निकालना किसके लिए है? लिथियम के लिए. तो आप लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज 0.059 इंटू 4/3, 2² / 3, राइट. ये ए नॉट दिया हुआ है, सो इट इज सिंपल 4a₀/3. आंसर में ये गिवन है, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. देखो ये क्वेश्चन भी किस पे है, फॉर्मूला बेस्ड. ठीक है, तो फिजिकल को केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, फॉर्मूला बहुत अच्छे से करके जाओ आप. और मैंने आपको बताया था कि इस पेपर में रीजन असर्शन भी पूछे गए हैं, और वो भी दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वाटर डिसोशिएट्स इनटू एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस, ये हमें पता है. एट 25 डिग्री सेल्सियस ये भी 10^-7 होता है, ये भी 10^-7, बट दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये जो रिएक्शन है दैट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. मतलब अगर भाई टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट मिल गई तो रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगी और डिसोसिएशन होगा. ठीक है, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है. एनसीईआरटी खोल के देखो, इन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर दिस हैज बीन रिटन दैट दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो यार अगर रीजन ही गलत हो गया, दिस इट कैन बी इधर 3 or 4. अब पहला देख लेते हैं, पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज रॉन्ग. पीएच होता क्या है? पीएच इज माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, राइट. तो अगर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी पीएच कम होगा, जितना ज्यादा एसिडिक होता जाता है पीएच कम होता है, राइट. तो यहां पे मैं बोल रही हूँ कि यार ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट मिल गई तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जैसे ली चैटलियस ने कहा है. तो ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी तो एच प्लस तो और बन रहा है, और अगर एच प्लस बन रहा है तो पीएच कम होना चाहिए. ठीक है, सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या है, इट इज रॉन्ग. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सो फोर्थ इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन आई कैन से दैट दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, बट इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन लगाना है. अगर आपने ये नहीं भी पढ़ रखा तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे. कैसे? इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन द कैटलिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 to 11 मेटल्स, विद मैक्सिमम एक्टिविटी बीइंग शोन बाय ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी है, दैट इज कि अगर हमारे पास एक एल्कीन है और उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इट कैन बी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम या इवन रोडियम भी यूज होता है, तो उससे हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है. सबने पढ़ा है ये, राइट. तो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो एज अ कैटलिस्ट? यू आर यूजिंग निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम. ये कौन से ग्रुप में आते हैं? दे कम इन ग्रुप 10. ठीक है, तो वो यही तो बोल रहा है कि जो कैटलिटिक एक्टिविटी है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 to ग्रुप 11, और सबसे ज्यादा कैटलिटिक एक्टिविटी इस ग्रुप में होती है. यस, रोडियम वगैरह हम यूज करते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. फॉर 7 to 9 ग्रुप एलिमेंट्स एड्सॉर्प्शन रेट इज मैक्सिमम. होता क्या है, जब आप कैटलिस्ट डालते हो, हाइड्रोजन कम्स एंड बाइंड्स इटसेल्फ टू द सर्फेस ऑफ द मेटल ताकि रिएक्शन ईजिली हो सके. ठीक है, तो यानी कि इन जो ग्रुप के मेटल्स हैं, इन ग्रुप के एलिमेंट्स का एड्सॉर्प्शन रेट बहुत हाई होता है, इसलिए दोनों रीजन एज वेल एज असर्शन दोनों ही सही है. अगर आप लॉजिकली सोचो कि यार हम निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो देन इट कैन बी सॉल्वड. ठीक है, ओके. सो लेट अस नाउ कम ऑन टू इनऑर्गेनिक सेक्शन. तो आपने अब देख लिया फिजिकल केमिस्ट्री में सभी क्वेश्चन आप कर सकते थे, हो सकता है कि वो कैटलिटिक वाले क्वेश्चन में फंस सकते, बट बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि किए जा सकते थे और उसमें आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते थे. ठीक है, तो अप्रैल वाले एग्जाम में अगेन मेरी तरफ से एक सजेशन है, एनसीईआरटी और फॉर्मूलाज प्रॉपरली पढ़ के जाना. सो करेक्ट बॉन्ड एनर्जी निकालनी है फॉलोइंग कंपाउंड्स. आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं उसी के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं. सी, आपने पढ़ा है कि भाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, राइट. एंड जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा
उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, पढ़ा है ये, है ना। तो अगर ये ओवरलैपिंग वीक हो गई, ओवरलैपिंग कम हो गई, तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, जल्दी वो बॉन्ड टूट जाएगा, पढ़ा है। तो अगर हम ये कहें कि सी एफ, क्योंकि सेम शेल में इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाए करते हैं, तो इनमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ते जा रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस बढ़ते जा रहा है, और डिस्टेंस अगर न्यूक्लियस के बीच में बढ़ रहा है, तो ओवरलैपिंग क्या होगी, वीक। तो आई एम राइटिंग इट डाउन एज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इंक्रीजेस, डिस्टेंस बढ़ गया, सो ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स विल डिक्रीज, और ओवरलैपिंग डिक्रीज कर गई तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने मतलब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर गई, और इसी को आप बॉन्ड लेंथ से रिलेट कर सकते हो कि बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, राइट। तो अब सीधे सीधे आपको लिखना है कि सी एफ, फिर सी सी एल, सी एल का साइज बढ़ा हुआ, देन सी बी आर और भी दूर हो गए, और सी आई सबसे दूर हो गए, ठीक है। अब इसको हम मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। मैंने जितने भी अभी तक पेपर देखे हैं, लाइक जो भी लास्ट थ्री पेपर्स हुए, उनमें आप देखोगे पीरियोडिक से और केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चन उठ के आए हैं, ठीक है। तो ये दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अप्रैल वाले जेई मेन्स के लिए, तो उसे करके जाना है और प्रॉपरली करके जाना। नाउ लेट अस सी करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एलिमेंट इज, अपने को ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपने, मैं पहले ऑर्डर बता देती हूँ कि ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। एज वी गो डाउन साइज इंक्रीज करता है बिकॉज शेल इंक्रीज कर रहा है, और एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड तो साइज डिक्रीज कर रहा है, क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए साइज छोटे होते जाता है, ठीक है। तो एफ सी एल बी आर, दे आर इन अ ग्रुप एफ सी एल बी आर, और अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को प्लेस करें तो ऑक्सीजन इससे पहले आता है और फिर कार्बन। तो अब आप यहाँ पे साइज देख सकते हो कि सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, बी आर का, क्योंकि वो सबसे नीचे आ रहा है, देन सी एल, देन इन तीनों में, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्बन टू फ्लोरीन मूव कर रहे हैं साइज छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब कार्बन का सबसे बड़ा है, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। सो दिस इज द राइट ऑर्डर, इसको हम मैच कर लेते हैं, सो इट इज ऑप्शन वन, राइट। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो पीरियोडिक एंड बॉन्डिंग बहुत अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, वी नो इट इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम। हाइड्रोजन में तो कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है, देन ड्यूटेरियम में देर इज वन न्यूट्रॉन एंड ट्रिशियम में देर इज टू न्यूट्रॉन्स, तो इन टोटल वी हैव थ्री न्यूट्रॉन्स, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑन मेटलर्जी। मेटलर्जी में कॉन्स्टेंटली हर पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, एंड वेरी बेसिक सिंपल टेक्निक्स या बेसिक रिएक्शंस, तो वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। मेटलर्जी ऑफ आयरन में, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन के साथ कोक डालते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट वी एड लाइम टू इट। तो लाइम डालने का पर्पस है क्योंकि हमने एक बेसिक फ्लक्स डाल दिया, क्यों, ताकि वो इम्प्यूरिटी को कंबाइन कर ले अपने साथ और क्या बना ले, स्लैग। तो ये रिएक्शन होती है आयरन के एक्सट्रैक्शन में। देन Fe2O3, अब दो ओर्स हैं आयरन के, तो आयरन के हैं Fe2O3 एंड Fe3O4, ये कंबाइन करता है विद कार्बन मोनोऑक्साइड और Fe3O4 बनाता है प्लस CO2। FeO सिलिका के साथ कंबाइन करता है और ये बनाता है, ये गलत है, क्यों यार, ये तो इम्प्यूरिटी है, राइट। सो FeO डज नॉट कंबाइन विद इम्प्यूरिटी क्योंकि उसके लिए हमने फ्लक्स डाला है, तो ये रॉन्ग है। देन FeO ऑन हीटिंग गिव्स Fe प्लस ½O2, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज वी हैव एडेड कोक विच विल रिड्यूस आयरन। आयरन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो वो डायरेक्टली ऑन हीटिंग वी कैनॉट रिमूव इट,
वी हैव टू एड सम रिड्यूसिंग एजेंट कि जो कि इसमें से ऑक्सीजन निकाल के इसको आयरन में कन्वर्ट करते हैं. ओके, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. वी हैव बीन गिवन अ कॉम्प्लेक्स और ये दो टाइप की ज्योमेट्रीज एग्जिबिट करता है. दे हैव गिवन यू द ज्योमेट्री. नाउ यू हैव टू डिटरमाइन कि इनमें से कितने टोटल बॉन्ड एंगल्स बताने हैं आपको. सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ट्राइगोनल बायपिरामिडल. तो अब देखो ये है ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री. इसमें 180 डिग्री पे एंगल कितना है? 1. तो 180 डिग्री वाला एंगल है 1. 120 के कितने हैं? 3. 1, 2, 3. तो 3 एंगल 120 है. और 90 डिग्री पे कितने हैं? जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो इक्विटोरियल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं. तो 1, 2, 3. ऐसे नीचे वाले के भी 3 होंगे तो इट्स 6. तो टोटल कितना हो गया? इट इज 10. राइट, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बना लें अगर. सो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल. राइट, नाउ यू कैन सी हमारे पास 180 पे कितने हैं? 1, ये एक 180 है एंड ये एक 180 है. ठीक है, लेट मी नंबर इट. 1, 2, 3, 4, 5. तो लिगेंड 1 एंड 3 180, लिगेंड 2 एंड 4 180. तो 180 पे 2 है, 120 पे 0, कोई भी 120 एंगल नहीं है इसमें. इट इज इधर 90 और 180. और 90 पे कितने हैं? जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है उसके साथ 4 बॉन्ड्स, देन इनके बीच में भी 4 बॉन्ड्स हैं विच आर 90. तो इन टोटल वी हैव 8 बॉन्ड्स, सो 10. तो टोटल कितने हो गए? इट इज 20 इज द राइट आंसर. राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन सी वी हैव बीन गिवन अ इक्वेशन ऑफ फॉस्फोरस विद NaOH एंड वाटर. अब ये मैंने इक्वेशन NCERT से लाके इसकी क्लिपिंग रखी है यहाँ. यू कैन सी दिस इक्वेशन इज गिवन इन NCERT. तो अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो आप यहाँ पे देखो दैट दिस विल अंडरगो अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें कि फॉस्फीन बनता है एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट. तो दैट मीन्स जो ए है दैट इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ये प्रोडक्ट बना है. राइट, और अब हमने क्या किया? इसको HCl में ऐड कर दिया. ये जो कंपाउंड है दिस कैन एक्ट एज एन एम्फोटेरिक स्पीशी. मतलब ये H+ दे भी सकते हैं और H+ ले भी सकते हैं. अब क्योंकि आपने इसमें एसिड डाला है तो इट विल एक्सेप्ट H+. ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे इट विल एक्ट एज अ बेस. तो ये क्या बना लेगा? H3PO2. राइट, सो नाउ इफ वी चेक द बेसिसिटी ऑफ दिस H3PO2, इट इज 1. दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड. ठीक है, द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड. ओके, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी है कि कौन शो करेगा. आई एम टेकिंग इट एज MA5B. राइट, अब आप देख सकते हो यार A5 है एंड B, ये तो नहीं शो करेगा क्योंकि B जो दूसरे टाइप की लिगेंड है दैट इज ओनली 1. देन ओवर हियर वी हैव MA4BC, सो ये करेगा. यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि आप एक बार B और C को सिस पोजिशन पे रख सकते हो एंड दूसरी बार B एंड C एट ट्रांस. ठीक है, तो ये करेगा. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, इट इज MA3B. ये भी नहीं करेगा, अगेन B एक ही है. राइट, देन MA2B2, यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इट विल एक बार आप A और B को, एक बार आप A को सिस पे प्लेस कर सकते हो और एक बार आप A को ट्रांस पे प्लेस कर सकते हो. राइट, सो यस, ऑप्शन जो होगा दैट इज BND. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम एस ब्लॉक. वी आर गिवन दैट वी हैव अ मेटल विच इज रिएक्टिंग विद N2 और नाइट्राइड बन रहा है. ठीक है, अब यहीं पे मैं आपसे कहूँ एक बार ऑप्शंस को देखो. या तो A मैग्नीशियम होगा और वो सोडियम होगा. अब आपने अगर एस ब्लॉक एक बार भी पढ़ा है ना, यू विल बी एबल टू से कि यार सोडियम या ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं एक्सेप्ट लिथियम, वो N2 के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कि वो नाइट्राइड तो बनाते ही नहीं है. ठीक है, तो उसका मतलब सोडियम वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते. लेकिन मैग्नीशियम, यस, अगर यहाँ लिथियम होता तो दिस वुड हैव बीन, ये करेक्ट होता. सो मैग्नीशियम वाला कोई ऑप्शन सही होगा. नाउ लेट अस चेक फर्दर. मैग्नीशियम नाइट्राइड है. इसमें भी अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, B यहाँ पे N2 दिया हुआ है, यहाँ NO3 दिया हुआ है.
बचपन से पढ़ते आ रहे हो दैट NO3 माइनस इज नाइट्रेट नॉट नाइट्राइड, है ना? तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, दिस इज मैग्नीशियम नाइट्रेट. तो इसका मतलब ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, राइट? अब मैं इक्वेशन लिख देती हूँ दैट Mg विद N2 इट फॉर्म्स Mg3N2, नाइट्राइड होता है N3 माइनस, ठीक है? एंड ऑन रिएक्टिंग विद वाटर इट फॉर्म्स, ये ब्रेक कर जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और NH3 बनता है, ठीक है? एंड विच फर्दर NH3 फर्दर रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है ब्लू कलर, ठीक है? तो इनऑर्गेनिक में नाउ यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो थे कोऑर्डिनेशन से, पीरियोडिक से और आइसोमेरिज्म से. तो ये तीनों चैप्टर्स अब बहुत अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस कम ऑन टू ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक भी यू विल सी दैट बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बट यस आई विल एडवाइज कि एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से जरूर आ रहा है एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है? ताकि वो 4 मार्क्स तो आप डेफिनेटली स्कोर कर लो. ओके, बेकलाइट को मैंने NCERT से ये क्लिपिंग ली है. यू कैन सी फिनॉल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है. फिनॉल के साथ जब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. पहली बात तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, राइट? क्योंकि फिनॉल इसे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. दूसरी चीज, सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पे यार हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, राइट? हाइड्रेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, पानी थोड़ी डाल रहे हैं हम यहाँ, नहीं. ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन. यस, आप देखो जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है वी हैव एडेड CH2O बट इन योर फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज नॉट देयर. क्यों? क्योंकि इट हैज बीन रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वॉटर, ठीक है? तो इट इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन. क्लियर गाइज? सो इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम पॉलीमर्स, ठीक है? ओके, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज. माल्टोज इज अ डाइसेक्राइड जो कि अल्फा ग्लूकोज के C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनता है, ठीक है? तो जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट OH ओवर हियर. तो अल्फा ग्लूकोज मिलेंगे आपको वापस, तो यू आर गोइंग टू गेट 2 अल्फा ग्लूकोज. ओके, आई हैव रिपीटेड एक्चुअली दीज टू ऑप्शन. सो दिस इज अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज. तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे. सो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, नाउ कंपाउंड एक्स हैज बीन गिवन. वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एक्स और अपने को क्या क्या दिया हुआ है. दैट एक्स में यू कैन ऐड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 H2 ऐड हो सकते हैं. इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट? ओके, एंड सेकेंड कि अगर हम इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करें, मतलब ओजोन इन ओजोन विद H2O2, तो हमें क्या मिल रहा है, 3-oxo-hexane-dioic, मतलब 3-oxo-dioic acid, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. तो अब फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कंपाउंड एक्स है. 2 डबल बॉन्ड यू कैन सी इसमें हो, इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके, सो लेट अस नाउ डू द ओजोनोलिसिस. जब आप इसको ओजोनोलिसिस करोगे ये बॉन्ड टूटेगा एंड ये बॉन्ड टूटेगा. रिंग ब्रेक नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये ओपन चेन तो नहीं मिलेगा, राइट? सेम इज द केस विद दिस. ये टूटेगा बट ओपन चेन नहीं मिलेगी. बट यस, इस केस में दिस विल ब्रेक, तो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा एंड दिस विल ब्रेक. ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर मिलेगा. सो दिस इज द राइट आंसर, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जिल्डाल्स मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर. गाइज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर शेयर की है, क्वालिटेटिव एनालिसिस जिल्डाल्स मेथड एंड द सेम क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड बाय मी इन दिस वीडियो, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे,
एंड ऑल्सो इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, तो वहां से भी अगर किसी ने पढ़ा है तो वो भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो आई विल डिस्कस इट हेयर एज वेल कि जल्डाल्स मेथड जो है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू नाइट्रो कंपाउंड्स या फिर एजो डाइज, या जिसमें डाई एजोनियम सॉल्ट आता है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, और ये नाइट्राइल पे एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, तो इन तीनों पे ये एप्लीकेबल नहीं. सो दैट मींस वी कैन नॉट अप्लाई जेल्डाल्स मेथड टू दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं होगा. एंड यस, इवन यूरिया, इसमें भी वी आर नॉट गोइंग टू गेट नाइट्रोजन फ्रीली एज अमोनिया. तो ये यस, एनिलीन से यू कैन गेट अमोनिया फ्रीली. ठीक है, तो इसलिए इनको, इन पे जेल्डाल्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल. क्लियर? सो ओनली फॉर एनिलीन वी कैन अप्लाई जेल्डाल्स मेथड. यस, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू माई वीडियो इन विच आई हैव शेयर्ड ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन जेल्डाल्स मेथड. एंड आई कैन एश्योर यू दैट इससे आपका पूरा जेल्डाल्स मेथड रिवाइज हो जाएगा. यू विल नॉट हैव टू लुक एनीथिंग, कहीं और आपको कोई भी कंटेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फाइन, ओके. नाउ वी हैव टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ, दैट इज C9H18O3. ए हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी, वट आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी. ओके, अगर ए का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है? ए में ज्यादा है देन बी, तभी तो उसको बॉइल करने में ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट देनी पड़ रही है. ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. अब अगर आप इन सभी कंपाउंड को देखोगे, सिंस देर इज प्रेजेंस ऑफ ओ एच ग्रुप, तो क्या पॉसिबिलिटी है? देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, नाउ यू कैन सी यहाँ पे वी हैव ओनली वन ओ एच, जबकि इसमें बी में वी हैव थ्री ओ एच. तो यार ये ज्यादा, बी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कंपेयर टू ए. तो अगर बी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बी का ज्यादा हुआ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो ये तो नहीं पूछा है, इसका मतलब दिस इज नॉट राइट. यस, सेकेंड वाले में आप देख सकते हो कि ए में थ्री ओ एच है, तो ये थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर लेंगे. एंड बट बी में वी हैव ईथर, राइट? ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है. ठीक है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा एज कम्पेयर टू ए. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ए का ज्यादा होगा बी से. सो टू इज द राइट आंसर. ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो बाय अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यू कैन सी आई हैव अ कार्बोनिल ग्रुप, एक एल्कीन है मेरे पास, एंड आई हैव एडेड H3O+ टू इट. H3O+ मतलब हमने वाटर के साथ H+ ऐड किया है, राइट? तो मेरे पास दो स्पीशी है, एक ये ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड है. विच कैन एक्सेप्ट H+ और क्या बना लेगा? इट विल फॉर्म OH+. और क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो इसको मैं रेजोनेट करवा देती हूँ. सो इट विल फॉर्म दिस, राइट? अब आप अगर इस केटायन को आप देखोगे, सो दिस केटायन हैज एन एरोमेटिक रिंग, एंड यू नो दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल, राइट? सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. ठीक है, सो ये सही है. यस, ये नहीं हो सकता बिकॉज कार्बन पे दो ओ एच बहुत अनस्टेबल होते हैं. क्लियर? तो ये नहीं होगा. और एल्कीन में अब आप समझ सकते हो कि एडिशन क्यों नहीं हो रहा एच प्लस का, बिकॉज उससे वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं बनता. ठीक है, ओके. फाइंड द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. हमें एक एल्कीन दिया हुआ है एंड B2H6. सो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें कि OH ऐड होता है एज एंटी मार्कोनिकोव. तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल में देखूं एंड वी आर डूइंग हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोव पोजीशन कौन सी होगी? ये यहां पे OH ऐड हो जाएगा और यहां H एंड दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक. सो दिस इज A, जिसमें कि H यहां ऐड हुआ है और OH यहां ऐड हुआ है एंटी मार्कोनिकोव, राइट? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट H2SO4 एंड हीट, मतलब हम क्या कर रहे हैं? OH को रिमूव कर रहे हैं अगेन, डिहाइड्रोजनेशन. ठीक है, एंड डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो यहां पे इट विल एक्सेप्ट H+ और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा. अब अगर आप इसको रिमूव करोगे,
तो क्वेश्चन ये है एल्कीन कहाँ बनेगा, बिकॉज दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू फॉर्म ऑल द प्रोडक्ट्स, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे मेजर कौन सा होगा. ओके, सो दीज आर द टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स कि ये OH निकलेगा तो या तो यहाँ एल्कीन बने या यहाँ एल्कीन बने. तो मैंने ये दोनों प्रोडक्ट बना लिए. ठीक है, नाउ आई हैव टू चेक कि इनमें से मेजर कौन है, वही पूछा है. तो आप पहले आप क्या देखोगे, एल्कीन है. एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए आप अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे चेक करोगे. अगर मैं इस कंपाउंड में देखूँ तो 1 और 3, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. और इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो 3 + 2 = 5 और 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं. तो डेफिनेटली बहुत क्लियरली विजिबल है दैट दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट. तो इसका मतलब वापस से वही बन गया, तो योर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी एटम्स लाई इन द सेम प्लेन इन मेजर प्रोडक्ट सी. ए आपको दिया हुआ दैट इट इज द एल्काइन ऑफ लोएस्ट मॉलिकुलर मास. तो सबसे छोटा एल्काइन क्या है, इथाइन. राइट, और इथाइन को अगर हम कॉपर ट्यूब में डालते हैं वी गेट बेंजीन, है ना. और बेंजीन में हम क्या कर रहे हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट मिथाइल. तो यहाँ पे मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया. राइट, अब आपसे पूछा हाउ मेनी एटम्स लाई इन द सेम प्लेन. तो बहुत केयरफुली, मिस्टेक नहीं करनी है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी हैं. राइट, तो ओके, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इन 6 कार्बन एटम्स इन बेंजीन रिंग, देन 5 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू बेंजीन कार्बन. ये कार्बन ऑल दो इट इज sp3, बट क्योंकि ये sp2 से अटैच है तो ये इसी के प्लेन में होगा. सो +1, प्लस एक और हाइड्रोजन भी इसी के प्लेन में होगा. ये अबव द प्लेन होगा और ये बिलो द प्लेन होगा, सो अगेन +1. तो इन टोटल वी आर गेटिंग हाउ मेनी, 13, 13 एटम्स इन द सेम प्लेन. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर. सो नाउ वी आर डन विद द होल पेपर. एंड अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि यार पेपर बहुत इजी आ रहे हैं जेई मेंस के. एंड अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी और सारे फॉर्मूलाज प्रॉपरली पढ़ के जाओगे, दिस क्वेश्चन, दिस पेपर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. इसमें बहुत अच्छे से 100 में से आप 90 मार्क्स लेके आ सकते हो. ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के जाना है. अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, मैं एक बार ब्रीफली आपको बता देती हूँ. आप इनऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स एक बार आप अच्छे से कीजिए, लाइक पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मस्ट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, यस मेटलर्जी से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड कोऑर्डिनेशन. पूरी की पूरी जो इनऑर्गेनिक है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ के जाओ. अलॉन्ग विद दैट ऑर्गेनिक के जो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये आप चाहो तो कहीं नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप अप्रैल के लिए रिवाइज करो तो आप उसको टिक करते जाओ कि ये हो गया है मेरा, ये हो गया. ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक प्लान्ड आपका रिवीजन होगा. एंड बिलीव मी, आप ये करके जाओ, यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल इन केमिस्ट्री. ठीक है, तो आई विश यू गुड लक. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी गाइज, यू कैन पोस्ट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन ऑल्सो मेल इट टू मी एट preptabmail@gmail.com. ठीक है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. एंड प्लीज गाइज, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट इवन दे आर एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर देयर अप्रैल मेंस. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.